गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। आज मेरे पास करने को बहुत सारा काम है। मुझे ये कमरा अपना साफ़ करना है पूरा। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि दिवाली आ रही है तो उसकी क्लीनिंग करनी है, तो चलिए ये कमरा आज साफ़ करते हैं। चलिए फिर इसी के साथ सफाई को शुरू करते हैं, सफाई अभियान शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे इन मैट भाई साहब को उठा के बालकनी में रख देंगे ताकि इनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। उन मैट भाई साहब को बाहर रखने के बाद अब हम कुछ दूसरा काम ढूंढते हैं। ये जो मेरे इयररिंग्स इस सोफे पे, देखो यहाँ पे ये और ये पड़े हैं, इनको उठा के इनकी जगह पे रख देते हैं ताकि ये इनको भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। कल रात को ये जो मैंने मेहंदी लगाई है उसके बाद ये जो मेहंदी रखी है इसको भी समेट देते हैं। इसमें से ये वाली मेहंदी खाली है इसको फेंक देते हैं, इसको समेट के रख देते हैं इसके अंदर यूं करके। यूं ये कुर्सी मैडम थोड़ी जगह घेर रही हैं तो इनको बोलते हैं आप बेड पे बैठ जाओ, अब बेड पे ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। सफाई कर रहे हैं ना तो मिट्टी बहुत उड़ेगी। एक काम करते हैं, ये खिड़की खोल देते हैं पूरी की पूरी, ऐसे करके ऐसे करके। अब ये पूरी खिड़की खुल गई है, अब इधर से सब दिख रहा है। ये हमारा कंप्यूटर महाराज है, अब नीचे से इनकी सफाई कर देते हैं। नीचे से इनका हाल थोड़ा बुरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ आज इस बिजली घर को भी खाली कर दूँ, इतना बिजली घर बना बैठा है, इसको सुलझा दूँ थोड़ा सा। आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क आई गॉट माई सक्सेस। इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी से बात करके अपने लिए भारत रत्न अवार्ड रखवाऊंगी। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेनली ये कुर्सी और ये स्टूल मैंने पंखा साफ करने के लिए रखे थे, मैंने पूरा पंखा चमका दिया एकदम। लग रहा है ना एकदम टिच पिच नया पंखा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क आई गॉट सक्सेस। मेरा कमरा बिल्कुल साफ लग रहा है, देखो बिल्कुल चमका दिया है मैंने कमरा। अभी कल परसों तक मैं यहाँ पे कर्टेंस भी लगा दूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैंने सोचा एक पर्दा भी क्यों ही छोड़े, ये पर्दे भी लगा ही देते हैं। तो ये पर्दा लग चुका है और ये अभी मैं लगा रही हूँ 2 मिनट में। लगने के बाद फिर कमरा टिच पिच लगेगा। एक पर्दा भी क्यों ही छोड़े, ये पर्दे भी लगा ही देते हैं। तो ये पर्दा लग चुका है और ये अभी मैं लगा रही हूँ 2 मिनट में। लगने के बाद फिर कमरा टिच पिच लगेगा। अब हम खाना वाना खा के नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरी रात को नाइट शिफ्ट है। तो मुझे थोड़ी देर अभी रेस्ट करना है, फिर हम शाम को मिलते हैं। इवनिंग, अभी 6 बज रहे हैं तो ये बच्चे काफ़ी देर से खेल रहे हैं। ये पता नहीं क्या अजीब सा गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे की पैंट उतार रहे हैं ये। बॉय। नानी की हैप्पी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह। कौन सी सालगिरह है ये इतनी बात नहीं बताया करते। सीक्रेट रखना चाहती है नानी अपनी शादी को, सालगिरह को। आपको बोला है 44 साल अंकल आंटी को, मतलब सुख दुख जो झेलते आ रहे हैं 44 साल हुआ है और आगे भी और झेलना बाकी है, कुछ बाकी है। शादी की सालगिरह मुबारक हो। नाइस। आपको मैं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ शादी करा, शादी की उसने कहा था। अच्छा 26 अक्टूबर में तो उसमें डालो ना फेसबुक पे, वो फोटो डालो, वो हमारे फेसबुक में है, निकाल। कौन सी फोटो? बढ़िया लिखी चंद्रिका ठाकुर के बधाई हो। मिठाई लाओ ना, बधाई हो तो बोल रहे हो क्या? मिठाई लेके आओ ना। पैसे तो नहीं है। कोई ना? बात नहीं, एक एक टॉफी खिला दो। हाँ टॉफी तो जरूर खिलाऊंगा, विशाल के दुकान से। अभी थोड़े से नाना नानी का है, इधर से चाय ले लो। हाँ।
ये पानी पी लो, ये खा के अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अभी नानी रोटी बना रही थी, बट बीच में मैंने उनकी ये जॉब टेक ओवर कर ली है, उनका ये बिजनेस मैंने टेक ओवर कर लिया है, तो अब रोटी मैं बना रही हूँ। सारी रोटी बनाने के बाद एक इतनी छोटी सी रोटी बनाई है, ये बहुत छोटी सी रोटी हमने बनाई है चूहे देवता के लिए, जो डेली आते हैं उनका भी हमारे घर में खाना बनता है। अभी उनके घर में उनकी रोटी रखेंगे। मेरी रोटी बनी है, सॉरी थोड़ी गोल नहीं बनी, पर जैसी भी बनी है इट्स ओके, खानी तो है हमें, गोल जाए या टेढ़ी मेढ़ी जाए। खाना खा के हम ऊपर आ चुके हैं, नानी भी फ्री हो चुके हैं, नानी को गुड नाइट बोल देते हैं, बाय गुड नाइट टड़ा। नानी फोन पे भी बात करती है, नानी के इम्पोर्टेंट कॉल्स यू नो। इसी के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो।